हेलो दोस्तों, पश्चिम बंगाल रेल हादसा कैसे हुआ, कंचनजंगा एक्सप्रेस की इतना बड़ी दुर्घटना कैसे हुई, इसका कुछ सामने तथ्य आना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस जैसे ही रानीपत्रा स्टेशन के पास रुकती है, पीछे से मालगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही होती है और जाके ठोक देती है पीछे से। जी हाँ दोस्तों, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई रहती है और पीछे से मालगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा से आकर ठोक देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेशन मास्टर द्वारा दोनों गाड़ी को TA 912 ये मेमो दिया गया था कि सिग्नल ख़राब है, आपको रेड सिग्नल को ख़राब को पार करना है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाकर आगे ले जाना है। लेकिन जो पैसेंजर गाड़ी चला रहे थे उन्होंने तो ये पालन किया, लेकिन जो गुड्स ट्रेन चला रहे थे ड्राइवर साहब, उन्होंने ये पालन नहीं किया। उनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुआ है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ये तथ्य लगभग साफ होने जा रहा है और CRS जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी होने जा रहा है दोस्तों, उसके बाद पूरी तरह से ये तथ्य जो है बाहर निकल कर आ जाएगा। फिलहाल इतना साफ हो गया है कि ट्रेन को चलाना था 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद ये और भी क्लियर होगा डाटा जब CRS इंक्वायरी होगा, रेलवे ऑफिसर्स बैठेंगे और जितने भी गवाह है, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डाटा है, सबको सील कर लिया गया है। तो मालगाड़ी के जो ड्राइवर हैं फिलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ओम शांति उनके लिए, आप बता दें, रेस्ट इन पीस, हमें भी काफ़ी दुख हो रहा है। और जो गार्ड साहब थे कंचनजंगा के, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अभी फ़िलहाल 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों और लगभग 30 लोग से ज़्यादा घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तथ्य, ये फैक्ट द रेल फैक्ट्स के माध्यम आपको हम बता रहे हैं, लगभग क्लियर होने जा रहा है, लेकिन ये हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि CRS इंक्वायरी अभी बाकी है। जब CRS इंक्वायरी हो जाएगा तो पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ है दोस्तों और किन की वजह से हुआ है। फिलहाल कार्रवाई किनके ऊपर होगा ये तो अब जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर साहब थे उनकी वजह से जो ये लापरवाही, जो सिग्नल ओवरशूट किया गया, रेड सिग्नल को जो क्रॉस किए हैं 78 किलोमीटर प्रति घंटा से, ऐसा सूत्र के हवाले से निकल कर आ रहा दोस्तों, और जो डेटा उसके अंदर सेव है वो भी CRS इंक्वायरी में पता चलेगा कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा से ये गाड़ी चल रही थी कि नहीं। लेकिन ये साफ है कि गाड़ी 10 किलोमीटर से प्रति घंटा से अगर चलती है तो इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा रहा होगा, गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी का जो ट्रेन कंटेनर वागन आप देखे हैं उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहा होगा, जिसके कारण कंचनजंगा के 3 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और 50 फीट ऊपर हवा में लहरा गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण 9 लोगों की मौत हुई है और 25 से 30 लोग घायल भी हुए हैं दोस्तों। सिग्नल ख़राब था, ऑटोमेटिक सिग्नल ख़राब था। आपको बता दें, सिग्नल जब ख़राब होता है तो ये प्रोसीजर है दोस्तों, स्टेशन मास्टर द्वारा TA 912 मेमो दिया जाता है ड्राइवर साहब को और एक रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता है, और उसमें बताया जाता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ ट्रेन को आगे ले जाना है अगले वाले सिग्नल तक। लेकिन जो आगे चल रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, आपको बता दें, उन्होंने तो फॉलो किया और जो पीछे से जो जा रही थी जो मालगाड़ी थी उन्होंने ये फॉलो नहीं किया, उनकी हाई स्पीड के कारण ये बहुत बड़ा ट्रेजडी हुआ है दोस्तों पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, इसका लगभग खुलासा होने जा रहा है। मेरे चैनल को के माध्यम से आपको हम बता पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।